हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और इधर में सब अच्छे हैं दोस्तों। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसे हैं। तो आज हम एक और धांसू वीडियो लेके आए हैं और हमारे गांव में एक नया चीज़ आया है दोस्तों, आज वो हम आपको दिखाएंगे। और अभी हम कहाँ हैं और हमारे घर से कितना दूर है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी हमारे पीछे देख सकते हैं, हम अपने घर से लमसम 0.5 किलोमीटर से भी कम है दोस्तों। हम यहाँ पर घूमने आते हैं और यहाँ पर हम घूमने आए थे कि दोस्तों यहाँ पर देखें इतना सारा कुहासा घिरे हुआ है दोस्तों, इतना सारा ओस, हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में ओस गिर रहा है दोस्तों। पूरा चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। और ये हमारे पीछे अभी देख सकते हैं पूरा साइड में चारों तरफ ओस ही ओस गिर रहा है दोस्तों, कुहासा ही कुहासा है। और दोस्तों देख सकते हैं पूरा ये सब चौवर है और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये सभी चौवर है। और ये छोटा सा नहर है दोस्तों जो कि सावन महीने में पानी आता है खेती करने के लिए, सरकार की तरफ से सिंचाई करने के लिए पानी भेजता है दोस्तों। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे हमारे पूरा व्यूज़, अब पूरा ये पूरा कुहासा से भरा हुआ है दोस्तों, पूरा चौवर है। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं छोटा सा कुछ बना हुआ है, चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं, तो बने रहिए इस ब्लॉग में, चलिए हम आपको ये दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा एक घर के पास के ही हैं भाई लगे, वही एक मुर्गी फार्म छोटा सा खोले हैं। और यहाँ पे एक आदमी आते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पूरा मुर्गी फार्म का पूरा पूरा सेटअप है। और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये तालाब है, इसमें मछली पालन होता है दोस्तों, ये मछली पालन होता है दोस्तों। और ये हमारे पीछे छोटा सा बना है मुर्गी पालन का दोस्तों। चलिए हम और हमारे गांव में जो आया है एक नया चीज़ जो हम आपको बताए हैं ट्रेन, वो हम आपको अब दिखाते हैं दोस्तों, चलिए बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं हमारे गांव की सबसे खूबसूरत चीज़, हमारे गांव में सबसे खूबसूरत चीज़ एक आया है जो कि ट्रेन, आपको दिखाते हैं चलिए। तो फाइनली गाइज हम लोग आ गए हैं अपने घर से थोड़ी सा दूर में, जो कि हमारा ये वैशाली स्टेशन है जो कि बहुत बड़ा है दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा तरफ साफ सुथरा, कितना साफ सुथरा का ख्याल रखा गया है दोस्तों। और चलिए हम वैशाली स्टेशन का अंदर का व्यूज भी आपको हम दिखाते हैं, तो आइए हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। तो आइए आप लोग को दिखाते हैं अंदर का व्यूज दोस्तों। ये है हमारा इतना बड़ा वैशाली स्टेशन कि हमारे घर से थोड़ी सा दूर में और इधर में दोस्तों टिकट काउंटर है। चलिए अभी हम लोग लेट हो गए हैं और लमसम 12:05 ट्रेन यहाँ से खुल जाती है दोस्तों, और हम लोग यहाँ से पहुँचे 12:15 पे। तो
तो ट्रेन का भी इसमें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अगला वीडियो में हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगला वीडियो में आपको ट्रेन का जर्नी दिखाएंगे, कहाँ से कहाँ तक ट्रेन जाता है वो भी दिखलाएंगे। जब तक के लिए इस वीडियो में बने रहिए और दिखाते हैं काउंटर किधर है। आइए हमारे साथ, यहाँ पे दोस्तों आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ से टिकट लेके हाजीपुर का 10 रुपये दोस्तों टिकट है। फिर कभी आपको हम टिकट लेके बताएंगे, जब तक आपको हम दिखला देते हैं स्टेशन। आइए हमारे साथ। हम लोग का ट्रेन आज छूट गया है, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अगला वीडियो में हम आपसे प्रॉमिस किए हैं कि हम आपको ट्रेन भी दिखाएंगे और ट्रेन का जर्नी भी दिखाएंगे। तो वीडियो दोस्तों, और हमारे आगे पीछे आप देख सकते हैं, इधर में पूरा दोस्तों पूरा खेत खलियान चौवड़ है दोस्तों, देहाती भाषा में बोलते हैं इसको चौवड़, पूरा खेत खलियान है दोस्तों। और ये हमारे पीछे हमारे गाँव का बड़ा सा रेलवे स्टेशन दोस्तों देख सकते हैं, जो कि 1.5-2 साल पहले ओपनिंग हुआ है दोस्तों, और बहुत बड़ा बहुत साफ सुथरा दोस्तों रेलवे स्टेशन है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा हमारे इस चैनल पर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।